दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान नाइन न्यूज़। हरियाणा चुनाव का आगाज हो गया और चुनाव कुछ जल्दी ही हो गया है। जो चुनाव लोग मान रहे थे कि अक्टूबर के आखिरी हफ्ते या फिर नवंबर के पहले हफ्ते में होगा, वो चुनाव अक्टूबर के बिल्कुल शुरुआत में यानी 1 अक्टूबर को निर्धारित कर दिया गया और 4 तारीख को किस्मत की पेटियाँ खुलेंगी। किसकी सरकार बनेगी वो पूरा देश देखेगा कि हरियाणा में किसकी सरकार बनने वाली है। और आज हम अपने चुनाव की वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं और ये जो शुरुआत हमने की है ये चुलकाना धाम खाटू श्याम जी के आशीर्वाद से हम यहीं से शुरुआत कर रहे हैं। और पीछे आप जो देख रहे हैं भीड़ जो है यहाँ पर दिखाती है कि यहाँ पर गाँव के अधिक से अधिक लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। किसी एक व्यक्ति से हमारी बातचीत हुई थी और ये इतनी भीड़ यहाँ पर इकट्ठी हो गई है। इनसे सीधा जान लेते हैं, सीधा इनसे बातचीत कर लेते हैं कि ये 10 साल कैसे रहे भाजपा के। जो कांग्रेस हिसाब मांग रही है, क्या वो सही हिसाब मांग रही है या फिर भाजपा के जो 10 साल हैं वो बढ़िया रहे, उसी को लेकर सीधी इनसे बातचीत होगी। क्या नाम है? राम कुमार जी। किसकी सरकार, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। क्यों बीजेपी? बीजेपी क्योंकि मेरे पहली बात तो मेरे गांव के खड़े हैं, हमने उनको वोट देनी है। पहली बात तो मेरी ये है। अच्छा। और नंबर दो, हाँ। हमने देनी भाजपा को है, बात खत्म है। नंबर गांव से है, दूसरा नंबर तो देनी भाजपा को है। ये तो नंबर जमाना है, इसका मतलब तो प्योर भाजपा वाले हैं। नहीं नहीं, प्योर भाजपा है, बिल्कुल प्योर भाजपा ही। हमारे गांव से बढ़िया भी तो लगता होगा भाजपा का। प्योर भाजपा निकलेगी और बताइए। और भाजपा, हाँ। कांग्रेस में क्या खराबी नजर आ? नहीं पता जी क्या खराबी है क्या नहीं जी। बस रट्टा मार लिया भाजपा का, रट्टा मार दिया हमने तो बस। पंद्रह साल हो गया सेवा कर हल्के की। अच्छा। शशिकांत पंडित जी, उसके हिसाब से भाजपा के हम तो हर बार शशिकांत और जिंदाबाद और बना के जाऊंगे और इलेक्शन में खड़ा करेंगे। उसने 15 साल हो लिए आवाज लुटोरे कड़ी दलवली पलवली टिकट के दावेदार हो जाए। हम तो पंडित जी के लू भाजपा ही है और पंडित जी को तो इलेक्शन लड़वाऊंगे, कामयाब करके जाऊंगे। और तुम कह रहे आगे टिकट लेने वाले कोई और, आप कह रहे पंडित को जिता जोर से भूखल बताओ, हल्के ना भूखल बताओ तो। एक मिनट, टिकट तो किसी और का हो रहा है। हाँ, किसी का नहीं होता टिकट, देखा कौन सा बन जाएगा टिकट लिया का पंडित जी बना का। 15 साल हो जाए खून पसीना एक करा क्या लिखे मैं। आप बुरा ना माने, जान सकता हूँ किस जाति से हैं? गुजर हूँ। गुजर है? हाँ, और 70 साल की उम्र होली मेरी। पूरा लगा रहा, मैट्रिक पास कर ली थी मना। अरे राजनीति जानू मैं, नेता नहीं हूँ मैं पर राजनीति पक्की जानू। अरे पिछली बार भी देखा था, पिछली बार भी गांव से देखा था कितनी वोट मिली थी। फिर जीत का गा था, फिर 12 मास एक शेर हुआ है। इनका तो सारा काम हवाले नूका जब हम तो पंडित जी नाम बनाऊंगे सारा गांव। एक है सारा गांव। रोहित जी मैं एक मिनट आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, अगर बीजेपी ने शशिकांत को टिकट ना दी तो बहुत गहरी भूल करेगी बीजेपी। और एक और बताऊं, अगर शशिकांत को टिकट ना दी तो आजाद जीता होगा पूरा गांव उसके साथ खड़ा। शशिकांत की बस, शशिकांत के साथ पूरा गांव खड़ा, आजाद लड़ा हुए और बड़ा खड़ा हुए। गांव की कितनी वोट है आपकी? 10,000 के लगभग वोट है, छतिया भी हमारे में। हाँ, किवाड़ा किवाड़ा मारे भाई है, डंडार मारे भाई है, डंडार मारे में। अब की बार शशिकांत को टिकट दे दो, अगर 10 बजे ना बस्ते बंद हुआ था और बिस्तरे ना गोल करता है तो मेरा नाम रकम सिंह नहीं के वोट कर लिए। अरे ये हवा हवाई बातें, बचाओ शशिकांत, 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 सब शशिकांत के साथ है भाई और किसी के साथ ही। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 60 साल। अरे ऐसे जोश दिखा रहे, 30 साल वाला एकदम चुनाव हो गया। मैं चैंपियन रहा 5 साल हरियाणा का लगातार ओपन टूर्नामेंट में, मेरे से ले चपटे DSP हैं। हाँ तो ये क्या है? अच्छा एक मिनट, आजकल जब मैं जाता हूँ लोगों के बीच नॉर्मल बात करता हूँ तो एक बात अक्सर सुनाई देती है कि भैया टिकट का तो नंबर अब नहीं लग रहा। आजाद लड़ाऊंगे, ना देने दो, आजाद लड़ाऊंगे भाई, आजाद आजाद लड़ाऊंगे बस। ये गांव देगा टिकट, पूरा गांव हल्का देगा, एक मिनट हल्का देगा, गांव देगा हल्का देगा टिकट। क्या करेगा यहाँ पब्लिक का टिकट? तो पब्लिक का टिकट, टिकट कुछ नहीं, पब्लिक का टिकट, इससे बड़ी टिकट कोई है नहीं। अरे आजाद में कहीं गांव गांव की न रह जाए, बाकी सारा
चल गए। ऐसा नहीं होगा, इतने दान पुण्य कर रहा है, जब आजाद से मछलीवाड़ा बढ़ सका है, शशिकांत नहीं बढ़ सकता क्या? शशिकांत नहीं बढ़ सकता क्या? गुजर है भाई, छत्तीस छाती ठोक है और पंडित के साथ है, और बीजेपी है इस गांव में और हल्के में बीजेपी है, शशिकांत है और कोई नहीं है। ये बता दी बात आपको, कभी धोखे में बीजेपी किसी और को टिकट देगा ऐसा? अरे सुनिए तो, दो बार भी तो यही छाती थी, दो बार हार गए, इतनी बढ़िया लहर थी, कारण था उसका, समीकरण बन गए, समीकरण बनते हैं, आपके भी बन जाए फिर समीकरण। ऐसा नहीं होगा, अब की बार जाट तीन लड़ रहे हैं इलेक्शन, पिछली बार जाट एक लड़ रहा था, सब लोग सारे इसका बढ़ के कांग्रेस का उठा खड़े था। जाटों को हराने की लड़ाई है क्या? जाटों की जाट नहीं, मेरे भाई है, सब भाई है, सब भाई है, सिर्फ हमारी लड़ाई शशिकांत को जिताने की है और नहीं है। इसका नाश हो लिया बेचारे का, नाश हो लिया इसका, तीन पलान हो गए, 15 साल हो गए, और ये जितने भी आदमी है एक भी आदमी शशिकांत के खिलाफ नहीं है, सारे शशिकांत के साथ है। इधर कुछ युवा भी खड़े, क्या नाम है? गुरमीत। गुरमीत भाई, क्या माहौल है चुनाव का? अब की बार शशिकांत कौशिक जिंदाबाद, 100%। ऐसे मैं भी कह दूंगा, जितने लोग खड़े हैं जिंदाबाद तो चुनाव जीत जाएंगे, इतने और टिकट नहीं मिलेगी, ज्यादा लड़ाऊंगे लड़ाना, पर अब की बार 100% जिंदाबाद, शशिकांत कौशिक, शशिकांत कौशिक। एक आध बढ़िया बात भी बता दो कुछ, ये तो जिंदाबाद तो कोई भी कर देता, कुछ काम धाम कुछ क्या है? काम धाम बहुत है रे, पब्लिक ना देखना काम धाम तो। अरे मनमोहन बढ़ाना आ गया अब यहाँ, वो सब उसका तो पासिंग भी नहीं, जीत भी का कहीं बाहर चला जाएगा, यहाँ क्या करेंगे उसका क्या है? या क्या है यहाँ, हम क्या करेंगे? मनमोहन आ गया तो, अरे आ गया अब तो, नहीं 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 नहीं, वो भूखन बतावा हल्के ना, उसको बताओ हल्के ना, इस्तेमाल कल के ना भूखन बताते हो, उसका कोई साक्ष्य नहीं है, कोई कुछ नहीं नहीं थे संभाल के अंदर, उन्हें ये कहा था ये तो भूखन एरिया भाई, भूखन है ये कहा था, उसको ये तो आया आया कितने दिन के लिए है? चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे तो रहेंगे, चले जाएंगे ना, जीत भी गया तो चला जाएगा, पहली बात तो जीतेगा नहीं, क्या जरूरत जीरो जीरो है। हाँ कुछ कह रहे थे तरारा रुक जाएगा, तरारा तो आपने डालो कर दिया, अब की बार है ना शशिकांत है ना, शशिकांत की आंधी ना पत्थरगढ़, जानते हो पत्थरगढ़? अच्छा। हमारे कला इसका संभाल खा लेगा, लास्ट गांव है वो, वहां से है ना शशिकांत की आंधी उठेगी। अच्छा। और चुलकाना अगर रुकेगी उसको ऊपर ऊपर ही लेके आएंगे, ऊपर ऊपर ही ना रह जाए कहीं नीचे ना उतर पाए, ना 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 ना, उसको ऊपर ऊपर ले आ गए और यहाँ हेलीकॉप्टर में बिठा गए और वड़ा भेजेंगे दिल्ली। अच्छा। हाँ जीता गए, अरे गलत ट्रैक पकड़ रहे हैं आप, चंडीगढ़ का रास्ता जाता है, एक बारी तो दिल्ली भी तो भेजना है वो, उसके बाद चंडीगढ़ भेजेंगे, पहले चंडीगढ़ कोई नहीं जानता, पहले तो दिल्ली है ना मोदी के पास जाऊंगे, मोदी आशीर्वाद देगा जब चंडीगढ़ जाऊंगे। अरे पहले टिकट का तो ले लो आशीर्वाद, टिकट की तो जरूरत नहीं, टिकट तो हमने उसकी जेब में गाल रखी, उसने तो जब हम उससे बात करते हैं ना टिकट के बारे में तो उन्होंने कहा टिकट तो मेरी जेब में, क्या बढ़ाना जेब में ही तो न रह जाए, जेब में नहीं, जेब तो हम है उसकी, टिकट तो हम है उसकी, अब टिकट हम है उसकी, निकालनी ना भूल जाए, ना 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 निकालने वाले हम बैठे रहे, एक मिनट लगेगी, दो बार और टिकट मिली थी, वो तो जेब में भी थी, निकली भी थी और लहर भी थी, फिर भी हार गए, वो कुछ और बात थी, लेकिन अब कुछ और बात है, शशिकांत जिंदाबाद। वो इस समय रहे, वो इस समय बदलेगा नहीं उसका। क्या नाम है आपका? भगत सिंह है मेरा नाम, भगत सिंह है नाम, बहुत बड़े भाई, वो इस समय रहे हुआ गया, बदलेगा नहीं समय, समय बदलेगा, बदलेगा, बदल गया समय उसका, बदल गया, और दो पलान हल रही है, हारेगा क्या वो, अब नहीं आ रहा जीत, बढ़िया बहुत जीत, और नहीं जीत आ रहा हूँ भाई, मामला गड़बड़ हो गया, नहीं है गड़बड़ यार जी, पूरा गांव साथ है, 12 साल में कुरुड़ी के भाग जाग गए थे भाई ने, 15 साल हो गए, साफ सीधी बात है, बस पूरा गांव साथ है यार, पूरा गांव साथ है भाई, ये सब लोग साथ में है क्या, ये जो खड़े हैं साथ में है, एक भी अलग नहीं है, पसीने आ रहे हैं भाई, अगर देखो पसीने आ रहे हैं, और पसीने आ जाए तो बाहर चला जाओ, यू हमारा फौजी यार रिटायरमेंट, क्या नाम है? रकम सिंह है भाई मेरा नाम, क्या माहौल है? माहौल तो शशिकांत का भाई, चुलकाने में तो अकेले चुलकाने से काम कैसे चलेगा, चुलकाने में तो है ही, जिसकी गेल काम है अपने आप हो जाएगा भाई, हल्का तो
चुलकाना दाम है यहाँ तो जी 10,000 वोटों का लीड चलेगा ना, टूटती को नहीं कहीं भी। कम सिंह जी, हाँ जी। पहले दो बार जब टिकट मिला, हाँ। बहुत तगड़ी लहर थी बीजेपी की चुनाव आ गए। दूसरी बार समालखा हल्के ने लगभग 67,000 के करीब वोट दिया, बहुत बड़ा नंबर था, रिकॉर्ड तोड़ा। आज तक इतना वोट बीजेपी को कभी पिछले 10 विधानसभा में नहीं मिला था जितना एक बार में मिल गया, उसमें भी चुनाव हार गए। इब की बार 97,000 वोट मिलेंगी। हाँ, लिख के लाए, लिख रखी है, शरीयत मार दो तुम्हारे ले। हाँ। आजा बोल, इब देऊं चेक 1,00,000 का। 1,00,000 रुपए की शर्त हो गई। हाँ। पक्की बात की, अभी ले 97,000 ना, कम ना ज्यादा। मैं तेरे तो बता रहा हूँ, ऊपर हो सके, नीचे नहीं आऊंगी। नीचे नहीं आ रही, ऊपर आऊंगी। टिकट ही नहीं मिल रहा, वोट टिकट तो ना मिलन दे। आजाद संभाल का तो आजाद ही जीते, संभाल का हल्का उसने जीता हुआ, जिसकी पार्टी नहीं आंदी। ठीक है, संभाल का हल्का उसने जीता हुआ, और जीता के ले आओगे कती डीजे बाजदा होगा, डना डन डना डन, जोकर श्याम बाबा गया हुआ। पिछली बार भी डीजे तैयार था, रह गया तैयार था ना, तैयार था ना, तैयार था ना, समय बदला है। पिछली बार जाट पलटी मार गए थे, एक बार रविंदर ले जाएगा जाटों की वोट सारी। ठीक है, राजनीति गुजरों की वोट चार जगह बटेगी। हाँ, और गुजर हूँ। ठीक है, और ब्राह्मणों की 32,000 वोट है, 30,000 वोट शशिकांत की है। ठीक है, हल्के में गुजर गुजरों की वोट 10,000 है, और चुलकाने में 10,000 वोट है, 10,000 में 9,000 वोट पोल होंगे ना, 75,000 के करीब अकेले की है भाई शशिकांत। ये समीकरण समझ नहीं आया मुझे, कैसे आप कह रहे हैं ब्राह्मण एक साथ चले जाएंगे, ब्राह्मण नहीं बटेगा, नहीं बटेगा और गुजर बट जाएगा। गुजर तो बटेंगे, कैंडिडेट दो है बटेंगे, वो तो ऐसा आप लोग को क्या दिख रहा है कि आप नहीं जा रहे गुजर पे, आप ब्राह्मण पे जा रहे? जी हमारे काम ही नहीं आओगे, हम क्यों जाओगे, हम उसके जाओगे जो हमारे काम आओगा, जो हमारी कटियांगली पे मुतेगा ना उसका जाओगे, जो नुकाएगा ना किस पक्के पीछेगा मुतू उसके नहीं जानते भाई। ठीक है, मामला गड़बड़ा है, गड़ है, कति नहीं आ रहा है यहाँ पे भी मुझे, क्या समझ आ रहा है, कति क्लियर है, संभाल के हल्के में। ठीक है, फिर क्या कह रहे, बन जाएगा ना जब बना के ले आओगे, माता है जब आइयो डीजे पे आपने सब तो ऊपर बिठा देंगे, सब तो बैठिएगा तो आप ही ऊपर ना, 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 आपको भी बिठाऊंगे ना। जोन सानू कह रहे ना, जोन सा बटाना को है ना, मैं संभाल के हल्के टिकट ले आऊंगा। वो आज यो उसके लोग पीछे भी खाओगे, और उसने नू बताओगे ये भूखन है कि ये छिके हुए लोग हैं। रकम सिंह जी कितनी उम्र है आप? मेरी 60 साल होगी, रिटायरमेंट होया हूँ अभी। जब मैं लोगों के बीच जाता हूँ तो लोग यही बात मुझे अक्सर बोलते हैं कि ऐसा कुछ हुआ था, हुआ नहीं था, इसके बाप ने बोला था। सुनिए, इसका कोई साक्ष्य है, कोई वीडियो, कोई ऐसी चीज नहीं है? मैं हूँ, मैं हूँ, मैं कोई बच्चा नहीं था उस टाइम पे, आर्मी में नौकरी करूंगा। ठीक है, जब उसके बाप ने कहा था, अरे संभाल का तो भूखन का एरिया है, भूखन लोग हैं, वहाँ जाली अनपढ़ जोन से 500 रुपये दे देता था, और उन तय वो बर्फी खुआता था ना, राजी हो जाते, मर लिए वो तो। ये सारे पढ़े लिखे लोग हैं, और छीके हुए गुजर हैं, इस एरिए गए संभाल के हल्के गए, भूखे को नहीं, उन नहीं खुआ देंगे हम, मारा आ जाएगा श्याम बाबा में, बर्फी खुआ देंगे उसी ने। हाँ, वो भी हो रहा है, 24 तारीख का कुछ जागरण कर रहे हैं शाम उस जागरण में देख लिया कितने जाओगे, संभाल के गए ना, संभाल के गए जो झुग्गी झोपड़ी वाले ना वही पाओगे ना खंदे, गुजर नहीं जाओगे। यह बताऊं तेरे, गुजर नहीं जा रहा ना, कोई नहीं जावा। अरे संभाल के हल्के में गुजरों के नेता मर गए, ब्राह्मण मर गए, जाट मर गए, संभाल के हल्के के नेता मर गए, वो फरीदाबाद तय गौरा लड़ा है, क्या करेगा वो, मामला गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ होएगा। आजाद भी जीता है, क्या नाम है? अभिषेक शर्मा। आइए शर्मा जी, आगे बढ़िए आप भी। क्या है माहौल चुनाव का? माहौल चुनाव का भाई साहब का बहुत अच्छा माहौल है, भाई साहब से हमें कोई काम नहीं है, उसकी सेवा उसका धर्म देख कर 22 पर्ची हमारे घर में, 22 की 22 पर्ची भाई साहब को देंगे कति बिना झिझक के, शशिकांत भाई साहब को 22 की 22 पर्ची देंगे, और उसके कर्म और उसका धर्म सेवा देख के 22 पर्ची देंगे उसको,
उससे कोई हमने ज्यादा वो लगाव नहीं है कि हमने उससे कुछ काम है। हो गया बढ़ाना का, बहुत हो गया, इतना भी सुनाना सही नहीं। भाई साहब शशिकांत के साथ तन मन धन से दिल से है, 22 पर्ची है और 22 की 22 पर्ची उसको देंगे, या टिकट मिले या ना मिलियो, आजाद को भी बनाएंगे हम, आजाद को भी। चलिए, क्या नाम है? रविंद्र कुमार है। क्या है माहौल? माहौल ऐसा है जी, अगर बीजेपी ने सीट जीतनी है ना तो शशिकांत को टिकट देना पड़ेगा, यानी वे आ रहेंगे, आ रहेंगे। अगर शशिकांत को टिकट नहीं मिला ना तो धर्म सिंह 10 बजे जीत जगह आ रहेगी, बीजेपी 100 की 100। शशिकांत ही जीता सकता है सीट को और कोई नहीं। ये चीज आप मानते हैं? मानना है कि धर्म सिंह चुनाव जीत जाएंगे अगर जो भी, अगर शशिकांत को टिकट ना मिला? नहीं मिला तो? हाँ, कति। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आजाद चुनाव लड़ेंगे शशिकांत तो तब भी जीत जाएंगे, कहीं ऐसा जी 10 साल हो गए उस बंदे ने, तो उसके साथ जन समर्थन बहुत है, बहुत सेवा कर रहे हैं। थोड़ी सी सच्चाई सुनना चाहता हूँ मैं आपसे, सच्चाई में बता रहे हैं और मैं फ्रॉड तो मैं नहीं रहा, लेकिन बहुत। हाँ, शशिकांत अगर चुनाव नहीं लड़ता ना तो बढ़ाने बढ़ूनिया कुछ नहीं, धर्मा 10 बजे डीजे बजा देगा। अगर धर्मा शशिकांत आजाद से भी चुनाव लड़ता है ना तो धर्मे को हराता है, गारंटी की बात है। ऐसे ऐसे अगर नेता कोई नहीं मिलेगा जिसने ये बोला है कि मेरा शरीर भी मेडिकल कॉलेज में दान कर देना। शशिकांत भाई साहब ने स्पेशल बोला है मेरा शरीर भी मेडिकल कॉलेज में दान कर देना, बच्चों की पढ़ाई के लिए उस पर ट्रीटमेंट हो जाए, मेरे बाल बाल को बस वो करना, ये सान्यता नहीं मिलेगा। चलिए चलिए, देखिए ये जो गांव के लोग यहां पर खड़े हैं, ये गांव चुलकाना गांव है और शशिकांत कौशिक 2 बार इसी गांव के चुनाव लड़े और बढ़िया लहर के बाद चुनाव हार गए। और ये जो लोग खड़े हैं इनका जो एक्साइटमेंट है वो अलग लेवल का है, लेकिन जब अब शशिकांत के समर्थकों से मैं मिलता हूं, एक चीज तो तय है कि जो एक बातचीत पिछले कुछ दिनों से चल रही है कि मनमोहन भड़ाना के आने से कहीं ना कहीं शशिकांत का पार्टी से एक दूरी हो सकती है, लेकिन समर्थक चाहते हैं कि आजाद चुनाव लड़ा जाए और आजाद भी हम चुनाव जिताने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये संभाल का है, यहाँ इतना आसान कुछ भी नहीं है जितना लगता है। इसी गाँव से पिछली बार ऐसा लग रहा था जैसे 80-85-90% तक समालखा कि ये शशिकांत को वोट मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वोट बटा आधा आधा इधर उधर हुआ। और उसके बाद अब इस गांव से क्या होगा वो देखने लायक होगा। लोग चश्मे लेकर जरूर रहते हैं और नेताओं को लगा भी देते हैं, अब वो किसको लगे हैं वो देखना पड़ेगा 4 तारीख के बाद जब पेटियाँ खुलेंगी। आप लोग क्या समझते हैं? और हाँ, एक और चीज़, अगर आप चाहते हैं कि मैं आप तक पहुँचूँ, आपके गांव तक आपकी बात रखूं, तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं, मुझे फ़ोन कर सकते हैं, तो मैं डायरेक्ट आपके गांव तक पहुंचूंगा और आपकी वीडियो भी दिखाने की कोशिश करूंगा। अब तक के लिए इतना ही, मैं हूं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।